हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय कुकिंग चैनल। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं हरी प्याज और आलू की बहुत ही सिंपल सी रेसिपी। इसे वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हरी प्याज जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं स्प्रिंग अनियन, स्प्रिंग अनियन जो होते हैं हमारे डाइजेशन के लिए बहुत ही अच्छी होती है। स्प्रिंग अनियन जो है गुड सोर्स ऑफ फाइबर होती है और हमारे कोलेस्ट्रॉल को भी जो है लो रखते हैं। तो स्प्रिंग अनियन की सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले जो है हमने स्प्रिंग अनियंस को देखिए इस तरह से अच्छे से वॉश करके जो है हमने बारीक बारीक काट लिया है। हम इसमें जो है स्प्रिंग अनियन के जो है ग्रीन वाले पार्ट को भी यूज करेंगे सब्जी में और हम जो पीछे से व्हाइट वाला पोर्शन होता है इसको भी हम इसमें यूज करेंगे। और साथ ही हमने जो है छोटे छोटे आलू को भी जो है पीसेस में काट लिया है। ये मैंने जो है दो आलू लिए हैं और जो हम यूज कर रहे हैं इसमें हरी वाली प्याज वो हमने ली है 250 ग्राम के करीब। हरे प्याज की सब्जी बनाने के लिए जो है मैंने गैस पे एक पैन रख लिया है। पैन में मैं ऐड कर दूंगी 2 से 3 टेबल स्पून के करीब सरसों का तेल। आप इस सब्जी को जो है ना रिफाइंड ऑयल में भी बना सकते हैं, बट सरसों के तेल में जो है ना इसका फ्लेवर जो है थोड़ा सा डिफरेंट आता है। तो अब जैसे ही हमारा सरसों का तेल अच्छे से गर्म होगा इसमें से धुआं आने लगेगा, हम इसमें ऐड कर देंगे 1/4 टीस्पून के करीब जीरा। थोड़ी सी हम इसमें ऐड करेंगे हींग और जैसे ही हमारा जीरे का कलर हल्का हल्का चेंज होगा हम इसमें ऐड कर देंगे 3 से 4 जो है मैंने इसमें लहसुन की कलियां बारीक बारीक काट ली है उसको हम ऐड कर देंगे। और साथ ही जो है मैंने इसमें 1 जो है हरी मिर्च, छोटी सी एक हरी मिर्च है इसको भी जो है बारीक बारीक काट लिया है इसको भी ऐड कर देंगे। अब जैसे ही हमारे लहसुन का कलर जो है हल्का हल्का सा सुनहरा होगा, मीन्स गोल्डन सा होगा, हम इसमें ऐड कर देंगे एक प्याज। इसे भी जो है मैं फाइन चॉप करके इसमें यूज कर रही हूँ। अच्छे से हम इसको चलाते हुए भून लेंगे और जैसे ही हमारा प्याज का भी जो हल्का सा कलर चेंज होगा हम इसमें ऐड कर देंगे एक टमाटर। छोटा सा टमाटर इसमें मैं यूज़ कर रही हूँ, इसको भी जो है फाइन चॉप करके ही इसमें यूज कर रहे हैं। आप जो है इसको बिना टमाटर के भी बना सकते हैं सब्जी को, बिना टमाटर के भी जो है सब्जी बहुत ही अच्छी लगती है प्याज लहसुन के साथ में। और अब जो है हमारा टमाटर प्याज जो है अच्छे से गल जाए तो इसके लिए हम इसमें ऐड करेंगे थोड़े से ड्राई मसाले। तो मैं इसमें सबसे पहले ऐड कर रही हूँ 1/2 टीस्पून के करीब नमक, 1/2 टीस्पून के करीब हम इसमें ऐड कर रहे हैं धनिया पाउडर और 1/4 टीस्पून के करीब इसमें ऐड कर रहे हैं लाल मिर्ची पाउडर। अगर आप तीखा ज़्यादा पसंद करते हैं सब्जी में तो आप जो है लाल मिर्ची के जो है क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं। और साथ ही हम इसमें ऐड कर रहे हैं 1/4 टीस्पून के करीब हल्दी पाउडर। सभी मसालों को जो अच्छे से हम भून लेंगे कि जो मसाला है हमारा अच्छे से ऑयल रिलीज करने लग जाए। अब देखिए एक ही मिनट में जो है ना हमारे मसाले ने जो है अच्छे से ऑयल रिलीज कर दिया है, मींस कि हमारा मसाला जो है अच्छे से भुन गया है। तो सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे आलू। आलू जो मैं इसमें यूज कर रही हूँ देखिए इस तरह से मैंने इनको काटा है, ना ज्यादा मोटा काटा है इसको ना ज्यादा हम बारीक काटेंगे, वरना क्या होगा हम अगर ज्यादा बारीक बारीक काट देंगे तो हमारी जो सब्जी जो है ना एकदम मैशी हो जाएगी और आलू जो है हमारे बिल्कुल भी इसमें दिखाई नहीं देंगे। तो आलू जो है पहले हम इसको कुक करें क्योंकि आलू जो है कुक होने में थोड़ा टाइम लेते हैं एज कम्पेयर टू हरी वाली प्याज की। तो हरी वाली प्याज जो है बहुत जल्दी से गल जाती है तो हम इसमें आलू ऐड कर देंगे, मसाले के साथ में अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसमें थोड़ा सा पानी हम ऐड करेंगे, मीन्स 1-2 चम्मच के करीब, जिससे कि जो आलू है हमारे इजिली सॉफ्ट हो जाए। और अब इसको जो है मैं लिड लगाकर 3 से 4 मिनट के लिए जो है स्लो गैस पे ही इसको कुक होने दूंगी आलू। अब देखिए 3 से 4 मिनट के बाद देखिए हमारे आलू भी जो है अच्छे से कुक हो गए हैं, इनका कलर भी देखिए कितना अच्छा सा आ गया है। अब इसमें हम ऐड कर देंगे अपनी हरी वाली प्याज, मीन स्प्रिंग अनियन। स्प्रिंग अनियन को हम ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे मसाले के साथ में। अब इस स्टेज पे भी हम थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे 1 से 2 टेबल स्पून के करीब। अगर आपको लगे कि आपके आलू थोड़े टाइट है तो इसलिए आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कीजिएगा, वरना बिना पानी के भी जो है ना हमारी स्प्रिंग अनियन जो है इजिली सॉफ्ट हो जाएंगे। अब इसको भी जो है हम 1 से 2 मिनट के लिए जो है ना लिड लगा के हम कुक होने देंगे। अब 2 मिनट के बाद देखिए हमारे आलू भी जो है काफी अच्छे से सॉफ्ट हो गए। अगर मैं इसको स्पैचुला से आपको दबा के दिखाऊं तो ये देखिए इस तरह से हमारे जो है आलू कट रहे हैं, मीन्स अच्छे से सॉफ्ट हो गए। और स्प्रिंग अनियन तो वैसे भी हमारी बहुत ही इजिली और बहुत ही क्विकली जो है कुक हो जाती है, ज्यादा टाइम इसमें नहीं लगता है। तो अब इनको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और ऊपर से अगर आप चाहें तो और थोड़ा सा सब्जी को फ्लेवरफुल बनाने के लिए इसमें ऐड कर सकते हैं थोड़ा सा सब्जी मसाला या आमचूर पाउडर, जिस तरह से मैं ऐड कर रही हूँ। और हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद में थोड़ा सा मैं ऊपर से और ऐड कर रही हूँ और फ्लेवरफुल बनाने के लिए सब्जी को नींबू का रस। बिल्कुल थोड़ा सा हम इसमें नींबू का रस डाल रहे हैं, थोड़ा सा चटपटी सी लगे सब्जी इसलिए, बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आपको पसंद ना आए इसमें नींबू के रस का फ्लेवर तो आप इसको जो है स्किप कर सकते हैं। तो इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए इस तरह से जो है हमारी बहुत ही सिंपल सी हरी प्याज और आलू की सब्जी जो है एकदम तैयार हो गई है। देखने से ही आपको लग रही होगी कितनी अच्छे से कलर आया है इसका और खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है।
स्प्रिंग अनियन जो होते हैं ना, ज्यादातर हम जो है चाइनीज डिशेस वगैरह में भी यूज करते हैं। अब इस तरह से हमने जो है स्प्रिंग अनियन को जो है सर्विंग बोल में सर्व कर लिया है, और ऊपर से इसको हमने गार्निश कर लिया है हरे धनिया की पत्तियों से, जिससे थोड़ा सा अच्छा सा लुक आए इसको। तो अब आज जो है मैं इसको स्प्रिंग अनियन की सब्जी को जो है लंच में बना रही हूँ। आप इसको जो है डिनर में भी बना सकती हैं, बहुत ही क्विकली बन जाती है सब्जी। आप इसको एंजॉय कर सकते हैं पराठे के साथ में, रोटी के साथ में, या आप इसको पूड़ी के साथ में भी एंजॉय कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगती है। और साथ ही जो है मैंने इस सब्जी के साथ में आज तैयार करे हैं पराठे, ट्राइंगल वाले पराठे, और हम साथ में सर्व कर रहे हैं घर की जमी हुई दही और घर के ही बनाई हुई हरी धनिया की चटनी। तो इस तरह से हमारा जो है लंच के लिए पूरी एक थाली जो है तैयार हो गई है, और इसको हम एंजॉय करते हैं। तो आप भी जो है इस सिंपल सी रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा लंच में या डिनर में, और मुझे कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी आपको ये स्प्रिंग अनियन की सारी वाली प्याज और आलू की सब्जी।